दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अब मुश्किलों में फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्मृति ईरानी के खिलाफ दिल्ली के कृष्णा नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। जी हां, ये कॉपी आप देख सकते हैं, शिकायत की ये कॉपी है। शिकायतकर्ता हैं निकिता चतुर्वेदी, जिन्होंने स्मृति ईरानी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है और ये कहा है कि बार बार आदतन तरीके से स्मृति ईरानी जो है एक सम्मानित परिवार, देश के सम्मानित परिवार को अपमान करने का काम करती रहती हैं। और ये किसके बारे में कहा है? ये कहा है राहुल गांधी और उनके परिवार के बारे में। सदन के अंदर भी राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फ्लाइंग किस किया है, और इसके अलावा भी साथ में ये भी कहा था कि उनके परिवार जो है, उनके परिवार से उन्हें किस तरह के संस्कार मिले हैं। निकिता चतुर्वेदी अपने जो कंप्लेंट है उसमें ये बताती हैं कि वो आदतन तरीके से जो बाहर स्टेटमेंट देती हैं उसको लेकर शिकायत दर्ज की गई है कि वो राहुल गांधी के परिवार की बात करती हैं, उस परिवार की बात करती हैं जिस परिवार ने प्रधानमंत्री दिए हैं, जिस परिवार ने शहादत देश के लिए दी है, उस परिवार को आखिर कैसे कोई व्यक्ति अपमानित कर सकता है। क्या कुछ निकिता चतुर्वेदी ने कहा है, सबसे पहले आप ये सुन लीजिए। स्मृति ईरानी जी के अगेंस्ट जो कंप्लेंट मैंने फाइल की है, उस कंप्लेंट में सीधे सीधे जो उनका रिमार्क है कि इस परिवार का संस्कार, वो बार बार जो है इस परिवार को, गांधी नेहरू परिवार को टारगेट करती रहती है। वो महिला भूल जाती है वो किस कैसे जीत के आई है, क्या करती है। मैंने उनके बारे में जो डिटेल लिखा है, मैंने उसके बारे में सबसे पहली चीज़ जो लिखी है कि वो एक अच्छी अभिनेत्री है, उसके बाद वो जो है MP है, फिर वो यूनियन मिनिस्टर है। तो उसका वो पूरा परिचय देते हुए मैंने उस परिवार की बात की है जो इस देश की फर्स्ट फैमिली है, जिस परिवार ने 3 जो है प्रधानमंत्री दिए हैं, जिनमें से 2 प्रधानमंत्री शहीद हैं। तो जिस परिवार से वो आती, हम जिस परिवार की वो बात कर रही हैं, उस परिवार में जब देश के ऊपर न्योछावर होने की परंपरा रही है, उस परिवार के ऊपर बार 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 आप किसी से राजनीतिक रूप से मतभेद रख सकते हैं, पर इतनी निर्लज्जता और इतनी बदतमीजी और इतनी बेहूदगी लादने की जरूरत नहीं है कि आप ये भूल जाएं कि जिस 15 अगस्त 26 जनवरी को आप बचपन से मनाते आए हैं, 14 नवंबर मनाते आए हैं, 2 अक्टूबर मनाते आए, वो लोग इस देश के इतिहास में कुछ वैल्यू रखते थे। तो स्मृति ईरानी को लेकर शिकायत दर्ज हो चुकी है। शिकायतकर्ता निकिता चतुर्वेदी का कहना है कि वो उन्हें कोर्ट में देख लेंगी, कोर्ट तक पीछा नहीं छोड़ेंगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसी तरह से कांग्रेस के और भी नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो स्मृति ईरानी के खिलाफ शिकायत करेंगे, क्योंकि बार बार वो राहुल गांधी को का नाम लेकर के उनके परिवार पर जाती हैं और परिवारों के संस्कार पर जाती हैं, वो भी ऐसे परिवार की जिस परिवार से शहीद रहे हों, चाहे वो इंदिरा गांधी हों, चाहे वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी हों, तमाम उनके नाम लिए। यहाँ तक कि निकिता चतुर्वेदी से जब कुछ देर तक हमारी बात हुई तो वो आगे जाके भावुक भी हो गई। भावुक कौन से पल को लेकर हुई? जब वो इंदिरा गांधी को याद कर रही थी। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक ये भी आप सुन लीजिएगा। मैं बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, ठीक है, और जब हम बड़े हो रहे थे ना, मुझे याद है जब इंदिरा जी की डेथ हुई थी, मैं क्लास 5 में थी, जितनी भी कटिंग्स इंदिरा गांधी की हमें मिलती थी, मैं और मेरी सिस्टर ना, हम लोग स्क्रैप बुक्स बनाते थे, उनकी जितनी यादें थी वो संजोते थे। तो आप लीडर से, लीडर के लिए पागल नहीं होते हो, आप लीडर से अगर प्यार नहीं कर सकते ना, मेरे जो नेता रहे हैं ये प्यार के काबिल, और मैं अपने नेताओं से बहुत प्यार करती हूँ, और उस प्यार के लिए आज मैं उनके लिए लड़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है ये परिवार अपने लिए कभी नहीं लड़ेगा, लेकिन मैं लड़ूंगी। तो आपने सुना, और उनका कहना है कि किसी भी तरीके से जो है अब इस लड़ाई को अंत तक लड़ा जाएगा। शिकायत तो हो गई है, उम्मीद ये कर रही हैं कि आगे कार्रवाई भी होगी और कोर्ट तक जाने की बात वो कहती हुई नजर आ रही हैं। यानी स्मृति ईरानी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और जो बयान उन्होंने संस्कार को लेकर दिए हैं उस पर जो है आपत्ति जताई गई थी और उन्हीं बयानों को लेकर जो है शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि आप बाखूबी जानते हैं जिस तरह के आरोप लगते हैं, स्मृति ईरानी बात बात पर जो है राहुल गांधी का नाम लेती हैं। यहाँ पर निकिता चतुर्वेदी ये भी कहती हुई नजर आई कि राहुल गांधी का नाम वो इतनी बार लेती हैं, पता नहीं सुबह उठकर या सोने से पहले वो भगवान की जगह राहुल गांधी का तो नाम नहीं लेती हैं। ये तमाम बातें निकिता चतुर्वेदी करती हुई नजर आई हैं, लेकिन ये जरूरी है कि ये शिकायत जो है वो दर्ज हो गई है। अब देखना ये होगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई रहने वाली है और क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर रहने वाला है। फ्लाइंग किस को लेकर तमाम आरोप स्मृति ईरानी के ऊपर भी ये लगे थे कि स्मृति ईरानी ही क्यों आखिर ये जो है
अपने ऊपर सारी बातें ले लेते हैं, जब किसी ने नहीं देखा तो स्मृति ईरानी ने कैसे देख लिया। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर था, जो तमाम आरोप स्मृति ईरानी के ऊपर भी लगे और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के ऊपर लगाए। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कुछ कहना है इस शिकायत को लेकर, स्मृति ईरानी के खिलाफ जो शिकायत दर्ज की गई है किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए और अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।